वेलकम टू माय न्यू वीलॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप साहब आप सब ठीक होंगे। और एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि ईद में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और मेरे घर के पास लग चुकी है मवेशी मंडी। और यहाँ पे मिनी मंडी लग चुकी है। दो व्यापारी जो हैं वो अपने जानवर लेकर यहाँ आ चुके हैं। सतारा मार्केट के पास ही ये सेक्टर G7-1 है। यहाँ पे चिनाम मार्केट के पास अगर आप आते हैं, 7 नंबर स्कूल है उसका, उसके साथ ही ये जगह है जहाँ पे इन्होंने अपने जानवर जाके जो है ला के बांध दिए हैं। और इसमें काफ़ी अच्छे जानवर हैं और अभी हम जाएंगे उनके पास, उनसे पूछेंगे कि वो लोग कहाँ से आए हैं और उनके जानवरों का क्या रेट है, क्योंकि एक दिन बाकी रह गया। वो भी चाहेंगे कि उनके जानवर बिक जाएं और जो लोग अभी तक जिन्होंने जानवर खरीदे नहीं हैं उनका भी ये दिल होगा कि वो इन करीब से ही ख़रीद लें। तो अभी हम चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या रेट वगैरह इसके लगाए हैं। मौसम बहुत अच्छा हो चुका है इस्लामाबाद का, पिछले 2 दिन बारिश हुई, आज सुबह भी बारिश हो रही थी। मौसम बहुत अच्छा खुशगवार हो चुका है। तो अभी बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह जानवरों के रेट वगैरह लगाए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। तो फ्रेंड अभी मैं जहाँ पे मिनी मंडी हमारी लगी है मवेशी मंडी, वहाँ पे आ चुका हूँ। और जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा जानवर ये देख रहे होंगे, यहाँ पे बैल ज़्यादातर मेरे ख्याल से बैल ही हैं ज़्यादा। और उसके अलावा हम इसको अभी पूछते हैं उनसे कि ये लोग किस रेट में इनको बेच रहे हैं, उनका पूछते हैं कहाँ से ये आए हैं। तो चलें फ्रेंड चलते हैं उनके पास, उनसे पूछते हैं फिर इनके बारे में। तो ये भाई से पूछते हैं हम। जी भाई जरा बताइएगा ये जो ब्लैक नंबर है इसका क्या नंबर लगा हुआ है इसके ऊपर? भाई इसके ऊपर 7 नंबर लगा हुआ है भाई, ये 1,30,000 का। और ये जो है ये भाई जी ये ब्राउन रंग का ये चोग है, ये 8 नंबर जी, ये 1,70 का है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं वाइट वाला, इससे पीछे है जो, ये 1,16 का लिया है। इसका क्या रेट है? और ये जो आप ब्लैक और वाइट देख रहे हो भाई, ये हमने 1,45 का लिया और उससे अगला ये 1,25 का है। और मेरे इससे आप जो पीछे देख रहे हैं वो वाले, वो 1,30 का और 1,25 का है। मतलब सारे जो आप इनके एवरेज रेट निकालें तो 1.5 लाख के करीब। जी जी इतने ही हैं। और कहाँ से लेके आए ये आप भाई? ये सारे साहिवाल साइड के हैं, उधर से हमने लिए हैं, इधर ले के आए हैं और इधर ला के मंडी लगाई हमने। आपने
तो आपकी आपने इसकी परमिशन ली हुई है सीडीए से? जी भाई, हमने सीडीए से परमिशन लेके फिर इधर ये आप देख सकते हैं हमारे ऊपर टेंट वगैरह लगा है इनको गर्मी से बचाव के लिए जो इनकी हिफाजत की हुई है। नहीं अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब, अरे मेरी लड़की चले गए। वो आप पीछे टैंकी देख सकते हैं, इनके लिए टैंकी लगाई है पानी छानी के लिए, इनको पानी देने के लिए। अच्छा, गर्मी बहुत है आपको पता है, ये जानवर हैं, बेजुबान हैं, इनको गर्मी भी लगती है। तो फ्रेंड अभी सुना कि ये सब जो रेट है इनके तकरीबन 1.5 लाख के करीब करीब हैं सारे, और देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बैल सारे। तो अभी मेरे सामने एक और जो है ना छोटा सा वो तबेला नज़र आ रहा है जो उन्होंने बनाया हुआ है, उन उधर जाते हैं उनसे पूछते हैं। मेरे ख्याल से वो पता बच्चे बता रहे हैं मुझे कि वो ना इज्तिमाई कुर्बानी के लिए जानवर लेके आए हैं। तो चलिए आपको वो भी जानवर चेक करवाते हैं कि वो कैसे जानवर लेके आए हैं और वो कैसे सेहतमंद हैं तंदुरुस्त हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं उस तरफ। तो फ्रेंड ये है मिलिए सैमिक से और हरीम से, ये दोनों यहाँ पे जो ना इस मवेशियों के जो ना केयर टेकर हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास अली अब्बास हैं जो कि अपना बकरा लेके आए हैं, और इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से लेके आए हैं और कितने के इन्होंने लिए। जी अब्बास भाई, ये मैं आई 15 मंडी से लाया हूँ और इसके 65,000 मांग रहा था और 48 का मिल गया है। 65 मांग रहा था जी, 48 का डाल जी। थैंक यू। तो फ्रेंड ये जो जानवर हैं ये अभी पता चला हमें कि ये जो ना इज्तिमाई कुर्बानी के लिए लेके आए हैं सब। तो यहाँ पे ये बड़े ज़बरदस्त जानवर नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जानवर लेके आए हैं ये इज्तिमाई कुर्बानी के लिए सब लेके आए हैं। तो मैंने कहा आपको ये भी शो करवा दूँ। ये देखें जी, ये सब जानवर जो हैं इज्तिमाई कुर्बानी के लिए लाए गए हैं यहाँ पे, और कल सुबह ईद है तो ये सब जो है ना कल ज़िबा हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज का वीलॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का मेरा वीलॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में।